मंडी शहर के सकोड़ी पुल की तरफ सुलभ शौचालय की सुविधा नहीं है, जिस कारण लोगों सहित दुकानदारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शौचालय की सुविधा न होने से स्वच्छ भारत अभियान की धज्जियां भी उड़ रही है, लोग बेहाल है। इन समस्याओं से जब नगर निगम मंडी के कमिश्नर को अवगत कराया गया तो उन्होंने मौके पर निरीक्षण किया और जल्द समस्याओं का हल करने का आश्वासन दिया है। रोड की जो कंडीशन है या फुटपाथ की जो कंडीशन है वो बड़ी दयनीय है। उसमें क्या होता है कि जब हम जो है मतलब फुटपाथ पे चलते हैं तो वहाँ पे मतलब जो है वो जो है टूटे हुए हैं, या उसमें अगर जैसे जो है कोई ड्रेंज है, ड्रेंज के ऊपर जो ढक्कन लगे हुए हैं वो जैसे जो वो जो है निकले हुए हैं, या उसकी जो है प्रॉपर जैसे जो मेंटेनेंस नहीं होती, तो उससे जो है जो आम लोग है उसको जो है उनको जो है दिक्कत आती है। तो इसमें प्रशासन को ये चाहिए या हमारे जो है PWD डिपार्टमेंट को जिसके अंडर ये जो काम है वो, या कमेटी वालों के पास जो काम है वो इसको जो है टाइम टू टाइम इसको जो है इंस्पेक्शन करें, और आजकल जो समय है कि आजकल इसको ठीक करें ताकि बरसात से पहले पहले जो है हमारे रोड की कंडीशन भी ठीक हो, जो गड्ढे पड़े हुए हैं वो भी भरे जाएँ, और साथ में हमारे फुटपाथ भी जो है सही हो जाए। हॉस्पिटल रोड जो है उसकी स्थिति बहुत ही खासता है, जगह जगह गड्ढे भरे हुए हैं यहाँ पे, और जो जब बरसात होती है बारिश होती है तो पानी इतना भर जाता है कि यहाँ पर जो हमारे कस्टमर खड़े होते हैं तो उनके कपड़े ख़राब हो जाते हैं कई बार तो, और जो लोहे के जो जाले बनाए हुए हैं निगम वालों ने वो भी जगह जगह टूटे हुए हैं, जिससे कि जो स्कूल के बच्चे आते जाते रहते हैं और जो हॉस्पिटल को जो लेडीज़ या जेंट्स जाते हैं वो भी कई बार गिर चुके हैं। आपने देखना है यहाँ पे तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, और जगह जगह टूटे हुए हैं, कई बार उनके टांगे फंसी हुई हैं यहाँ पे, तो बड़ी दिक्कत आ रही है। और जो सबसे बड़ी बात है यहाँ की जो है शौचालय इस रोड पर एक भी नहीं है, बहुत पहले था, उसको भी निगम वालों ने गिरा दिया कुछ काम के लिए, तो अब यहाँ पर कोई शौचालय नहीं है, और बच्चों और लेडीज़ और जेंट्स के लिए बहुत दिक्कत आती है। यहाँ पर जो शौचालय के लिए जाना हो तो उन्हें इंदिरा मार्केट जाना पड़ता है, उसके पहले कोई भी यहाँ पर शौचालय नहीं है। अगर किसी को कोई एमरजेंसी आ जाए तो फिर वो खुले में करता है कि इसमें जैसे बारिश हो रही है ना जी, तो इसमें पानी भरा जा रहा है तो आम आदमी को इसमें चलने में दिक्कत आ रही है, और जैसे टू व्हीलर जाता है तब भी काफ़ी परेशानी है। स्थिति तो बिल्कुल ख़राब है, देखो गड्ढे पड़े हैं, आने जाने में दिक्कत है, बुजुर्ग चल नहीं सकते, और गाड़ी आ जाए तब मुश्किल है, तब तो दाएं बाएं करना होना, बीच में तो चल नहीं सकते ना, रास्ते में सारी गाड़ियाँ हैं, 3-व्हीलर खड़े हैं और ऑटो, ये जो करना से स्कूटर वगैरह मोटरसाइकिल वगैरह ये खड़े रहते हैं दाएं बाएं, ये सड़क जो देखो इनको ठीक किया जाए, और क्या आने जाने में दिक्कत हो रही सबको। उधर जब नगर निगम मंडी के कमिश्नर HS राणा को इन समस्याओं से अवगत कराया गया तो उन्होंने अधिकारी सहित शहर का निरीक्षण किया और वास्तव स्थिति को जाना। उन्होंने कहा कि सकोड़ी पुल के पास शौचालय न होने के चलते लोगों को वास्तव में परेशानी हो रही है। एक शौचालय है जिसे रिपेयर करने की आवश्यकता है, और इस शौचालय को 15 दिन में रिपेयर कर लोगों को सुविधा दी जाएगी। मेरे समक्ष जो कुछ इश्यूज आए आज वो मुख्यतः ये थे कि मतलब जो हमारा सकोड़ी पार्किंग है उसके आसपास टॉयलेट नहीं है, और लोगों को बहुत परेशानी हो रही टॉयलेट के लिए, तो हमने मौके पर जाकर देखा आज, और देखा कि यहाँ आसपास नज़दीक नहीं है, लेकिन जो नज़दीक है वो उसकी रिपेयर होने की बहुत ज़रूरत है। तो अभी मेरे साथ SDO आए हुए हैं नरेश जी, और हमने वहाँ का जायज़ा लिया और ये देखा कि वहाँ पर सच में एक रिपेयर करने की बहुत आवश्यकता है। तो जैसे हमारे SDO साहब ने बताया कि 15 डेज में वो रिपेयर हो जाएगी, और क्योंकि यहाँ आसपास टॉयलेट कोई और नहीं है तो यहाँ के स्थानीय लोगों को जब रिपेयर हो जाएगी तो उसको उस टॉयलेट को इस्तेमाल करने का एक अच्छा मतलब सिस्टम मुहैया कराया जाएगा। इसके अलावा जो यहाँ सकोड़ी खड्ड में सॉलिड वेस्ट जो हमारा मटेरियल पड़ा हुआ है उसके लिए स्पेशल कैंपेन चलाया गया था, पिछले कल भी मैं यहाँ आया था, और आज हमारे 15 से 20 लोगों ने इस जो आसपास कूड़ा पड़ा था, बॉटल्स थी, प्लास्टिक था या कुछ और भी हाउस होल्ड मटेरियल जो लोगों ने फेंका होता है उसको यहाँ से रिमूव किया गया। आपको बता दें कि मंडी शहर के सकोड़ी पुल की तरफ सुलभ शौचालय की सुविधा नहीं है, जिस कारण लोगों सहित दुकानदारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शौचालय की सुविधा न होने से स्वच्छ भारत अभियान की धज्जियां भी उड़ रही है और लोग बेहाल हैं। पंजाब केसरी TV के लिए मंडी से सीमा शर्मा की रिपोर्ट।